देख रहे हैं सच दर्शन। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ होने का मामला सामने आया है, जहां बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे और भागने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने राजनगर एक्सटेंशन इलाके में उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बदले में बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक हरेंद्र मकराना नाम के बदमाश को गोली लगी। वहीं दूसरा बदमाश भागने में कामयाब हो गया। ऐसे में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई इस मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल भी घायल हो गए, जिन्हें फिलहाल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन सब में गौरतलब है कि आने वाले गुरुवार को गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम होने वाला है और प्रोग्राम वाली जगह से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर ही यह एनकाउंटर किया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल से कुछ ही दूरी पर आखिरकार ये बदमाश किस वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। जहां मिली जानकारी के मुताबिक हरेंद्र नाम का बदमाश मुरादनगर का रहने वाला है और पिछले दिनों ये कविनगर थाने से पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। वह इस पर 25 से ज्यादा आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। ये काफी जगह यहां पर चल रही थी। एक सूचना में मिली है कि कुछ एक बदमाश की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी हुई है, पैर में उसकी गोली लगी है। हमारे कुछ 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, नजदीकी उनको कैलाश अस्पताल पड़ता है, वहां पर गिरफ्तार कर लिया है। ये राजनगर एक्सटेंशन के पास ये जगह पड़ती है जहां पर पुलिस मुठभेड़ हुई, और अभी प्रथम दृष्टया पता चल रहा है कि जो जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, हरेंद्र नाम है उसका और बहुत अच्छा आपराधिक इतिहास है, 25-30 लूट इस टाइप के मुकदमे हैं। और चेकिंग के दौरान इस व्यक्ति ने जैसे ही फायरिंग वगैरह करी है, एक हमारे पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं, उनकी पिक कैप में गोली लगी है। बाकी एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल भी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उनका भी इलाज चल रहा है। वो भी दूसरा आरोपित है, वो भी कैलाश अस्पताल है बगल में, वहां पर उनको एडमिट कराया गया। देखिए अभी पता जैसे चला है वो यहां पर एक कविनगर थाना है, वहां से फरार चल रहा था और काफी मुकदमे हैं उसके ऊपर, 25-30 मुकदमे तो एटलीस्ट हैं। हम धीरे धीरे आपराधिक इतिहास को ट्रेस कर रहे हैं, हो सकता है और भी मुकदमे उसमें निकाले, तो बहुत ही काफी शातिर अपराधी था। फिलहाल पुलिस फरार बदमाश की तलाश के साथ ही हरेंद्र के होश में आने का इंतजार कर रही है, ताकि बदमाशों के इरादों का पर्दाफाश कर सके। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से शिवम गौतम की रिपोर्ट, सच दर्शन।